यो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान। तो भाई लोग यार, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज वीडियो को लाइक करना बनता है। इस रिच लाइफ के एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के भैया रूपाली जो मैडम है ना, अभी सॉरी नताशा मैडम अभी आई। और नताशा मैडम क्या हाल है, सबको हाय बोलो। सब नताशा मैडम को हाय बोलो। हेलो मैडम, कैसी हो सब? हेलो कलवा भाई, कलवे ने बहुत मिस किया आपको, देखो कैसे हो रहा है बहुत मिस किया आपको, ठीक है। और नताशा मैडम ओके, नताशा जी खड़ी है, और नताशा जी की फ्लाइट वो सामने खड़ी है, अभी अभी आई है, तो मैं इनको पिकअप करने आया हूँ। नताशा जी ने मेरे को एक गिफ्ट देना चाहती हैं, कह रही है तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी मैं। इन्होंने जहाँ पर ये थी वहाँ पर पता नहीं कौन से मिशन पर ये गई हुई थी, इन्होंने इतना पैसा कमाया है, इतना पैसा कमाया है, कोई वो नहीं है दोस्तों। और ये कह रही है मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ, हम दोनों वहीं पर रहा करेंगे। तो चलो देखते हैं नताशा मैडम आज मुझे कैसा घर गिफ्ट करना चाह रही है। कह रही है तुमने सोचा भी नहीं होगा उस घर में इतना पैसा है और इतना सब कुछ है, बिल्कुल लेटेस्ट होने वाला। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। नताशा मैडम ने लोकेशन तो मेरे को दी है, लोकेशन बताई जा रही है यहाँ की। नताशा मैडम ने कहा मैं भीड़ भाड़ इलाके से दूर रहना चाहती हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो नताशा मैडम गाड़ी भी मस्त लेकर आया हूँ, बैठो आओ। चलो यार, गेट नहीं खोलते क्या बेवकूफ लोग, मेरी गाड़ी का छत तोड़ दिया। चलो नताशा जी दसो किथे जाना वा, नताशा जी दस दियो, बता दो नताशा जी। कह रही है यहीं से मोड़ लो। दोस्तों कार चलाने तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वाली, और यहाँ पे पुलिस भी घूमती रहती है। The guy stole my car. Sorry मैडम जी, अभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, बाद में करूंगा मैडम, बाद में कर दूंगा, अभी मुझे जाना है कहीं पर है दोस्तों। अभी तो यार नताशा जी आई है, अभी मदद मुदत में लग जाऊंगा यार, नाराज हो जाएंगी, थप्पड़ मारेंगी कलवे के। ए, कार कलवे किधर देख रहे थे बाबा रे तू। चरस गंजा मेरी को प्यारा, चरस गंजा मेरी को प्यारा। जब नताशा जी आती है ना यार, मैं तभी दिल से खुश होता हूँ, तब मैं बोलता हूँ चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, तब मैं करता हूँ। ऐसे नहीं करता यार, ऐसे मजा ही नहीं आता भाई, मुझे सच्ची बता रहा भाई तुम्हें, दिल से तुम्हारा भाई आज बोल रहा है, ठीक है। वो अये हाय, मैं कुछ ज्यादा ही गाने में डूब गया था, गाड़ी के अंदर साइड लग गई, बहुत महंगी साइड लगती है दोस्तों, ये बहुत पैसा लग जाता है इन चीजों को ठीक कराने में। बस दोस्तों यहाँ से निकलने में टाइम लगेगा, वहां पर तुम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे अपनी लोकेशन पर। बहुत सही, बहुत हार्ड। इस बस हम यहाँ पर अपने जो घर तक जो है पहुंचे हैं, और बस घर से निकला हूँ मासी जी से मिलाकर, और बस अब हम यहाँ से जो है निकलने वाले हैं। और बस हम यहाँ से जो है शहर के अंदर ही ज़्यादा टाइम जो है लगता है, वहाँ पहुँचने में वो गांव से जो है यहाँ से आउट एरिया है, तो वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, मैं आप सभी को पहले ही बता दूँ। हाँ ट्रैफिक जो मिलने वाला है वो सिर्फ शहर में है, और शहर के ट्रैफिक को तो मैं बहुत जल्दी से जो है क्रॉस करके जो है दोस्तों निकल जाऊँगा। पीछे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ है, उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो चलो इधर से निकलते हैं, ये वही वाला पार्क है 30 रुपए घंटे वाला, पर मैं जाता नहीं हूँ माँ। ओ तेरी ये गड्डी मेरी पूरी को मगी यार दोस्तों, अरे शिट यार, ये इतना टाइम लगता है दोस्तों इसको चलने में है। चलो सीधे चलते रहो, अरे मामा जी आराम से। लॉस एंजेलिस की सिटी, मैं आप सभी लोगों BMW i8 का ऐड, यार मैं सोच रहा हूँ BMW i8 ही लेने की, नताशा जी को पसंद है कह रही है, मैंने कहा ले लूंगा, टेंशन का क्यों लेती हो रहे हैं नताशा जी तुसी है दोस्तों। पर सरप्राइज भी तो भैया 7 समुंदर पार बता रही बंदी, कह रही वाह है वाह वाह, मैंने कहा धुत तेरी माँ, वाह लिया सरप्राइज भी तुम्हें, बेवकूफ की पट्टी है बहुत तगड़े वाली हो, सच्ची बता रहा हूँ बहुत तगड़े वाली पट्टी है, बहुत तगड़े वाली पट्टी है, बहुत तगड़े वाली, तुम्हारे भाई को पहले पता भाई ये सब कुछ।
बहुत तगड़े वाली भट्टी हो, बहुत तगड़े वाली। ओ बाबूजी आराम से चले आओ, इधर कोई निकाल लोगे अपनी गाड़ी तुम भी। इनकी तो भाई साहब किस दिन है तगड़ी कुटाई करूंगा, तगड़ी कुटाई। तब आवेगा इन्हें मजा, जिस दिन इनकी तगड़ी कुटाई होगी ना तब आवेगा। हाँ आजकल तो हर कोई नई नई गाड़ियां लेने लग गया भी है, यहाँ पर बहुत पैसा छाप रहे हो। चलो हम तो सीधे निकल रहे हैं, आउट एरिया शुरू हो चुका है, लगता है यहाँ पर बारिश हुई है। मेरे को ऐसा लग रहा है, चलते रहते हैं। बारिश हो रही है क्या? आई डोंट नो क्या बारिश हो रही है या नहीं, लग रहा है मेरे को ऐसा। अरे भैया बारिश कहाँ से होने लग गई, बारिश को हटाओ, वेदर अपना क्लाउडी वेदर ही सही है। बताओ यार लोग आप बारिश कर रहे थे है दोस्तों। चलो चलो चलो, बहुत टाइम हो गया। ये मिलिट्री बेस के बिल्कुल पास है, और दोस्तों हमारा जो घर है ना वो जस्ट इस वाले रोड पर है, इस हाथ पे ही है, बस यहाँ पे चलते ही आगे ही है। मैं आपको यहाँ की एक बहुत सुंदर चीज दिखाना चाहूंगा, चलो थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, स्टॉप का साइन है। तो भैया बहुत स्टॉप हो लिया, अब निकलते हैं यार यहाँ से। तो बस इधर को इस वाले मोड़ पे मोड़ लो, मोड़ पे मोड़ते ये रहा भैया अपना घर, बंगला है, बंगला बंगला। तुम बहुत बोल रहे थे ना पियक्कड़ का बंगला कहाँ है, मतलब इसका कलुए का ये है। चलो नताशा जी ने गिफ्ट किया है, तो सबसे पहले बाहर देखो सिक्योरिटी का बहुत बंदोबस्त है। यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं तैनात हमेशा, और इधर जाल है जो कि बहुत सुंदर दोस्तों दिखाई देता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार अपना ओपिनियन बताइएगा, अपना कमेंट करके कि आपको जो है किस तरीके का जो है लगा है। यहाँ पर भी इधर जो है ये जो है फर्श का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, बहुत भयंकर लग रहा है, ठीक है ना। और ऊपर भी जो जाल लगाए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओके अब यहाँ पर मैं गाड़ियाँ दिखा दूँ, ये तो हमारे गार्ड्स की कार हैं जो हमें फॉलो करती हैं। एक ये वाली कार है यहाँ पे, और एक ये वाली है, T20 भी खड़ी है, और एक्स प्रोटो भी खड़ी है, और एक्स प्रोटो के बराए फिर मैं यहाँ पर अंदर लेके जाऊँ, यहाँ पे रोल्स रॉयस खड़ी है, और एक और ये चीता खड़ी है। तो गाड़ियाँ तो बहुत हैं, सारी लग्जरी कार्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से। तो चलो दोस्तों अंदर घुसते हैं, आ जाओ भैया नताशा, आ जाओ जी, आ जाओ नताशा जी, आ जाओ। मेन एंट्रेंस बहुत बड़ा सा, बड़े वाला कालीन लगा रखा है यहाँ पे, मतलब भालू के कपड़ों वाला, ये बहुत सही लगा यार मेरे को। और सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो चलिए इस वाली टेबल पर आ जाते हैं। तो ये है दोस्तों डाइनिंग टेबल, बट यहाँ पर यार नताशा जी ने बोला था ना इतना ही सारी लग्जरी चीज है, इतना ज्यादा पैसा है तू भैया सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों सही बात है, एप्पल के लैपटॉप दिखाऊं कितने, एक एप्पल का लैपटॉप, और ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही 8 रखा है, 8 तो एक टेबल पर लैपटॉप ही रखे, वो भी iMac, ठीक है। फिर ये iMac PC ये रखा हुआ है जिसके ऊपर काम सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ iMac PC के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं भाई साहब, ये सही है। और मैं इधर लेके जाऊँ, इधर भी एक iMac PC जो है बंद पड़ा है। और भैया ये पैसा पैसा देख रहे हो, पैसा हमारे गार्ड्स की जेबों में इतना भरा रहता है, वो अंदर क्या मुंह मारेंगे, देख रहे हो दोस्तों इतना ज़्यादा पैसा पड़ा है। ये अटैची के अंदर कम से कम 2 या 3 करोड़ डॉलर तो इसी बेंच पे पड़े होंगे, है ना। चलो अब इधर आ जाओ दोस्तों, इधर आने पे है एक बहुत बड़ी सी वॉल, ये है हमारे दो बहुत महंगे वाले हेड लैंप्स, और ये यहाँ पर रखे हैं दोस्तों सोने चांदी की चीज़ें, मतलब कि मेरी घड़ियाँ, कानों में पहनने वाली बालियाँ, और सब कुछ रखा हुआ है मेरे लिए दोस्तों, कलवे के लिए सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है भैया जी इस चीज़ के साथ, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये चीज़ें किस तरीके लगी है, लग्जरी चीज़ है ना यार दोस्तों, लग्जरी चीज़ों की बात ही कुछ और होती है ना। और फिर इस वाले टेबल पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे दो महंगे वाले सोफे रखे हुए, और यहाँ पर भी कहिया कर में 1 करोड़ डॉलर तो यहाँ पर भी ये पड़े होंगे। और ये फिर से ये iMac नहीं है, हाँ ये भी iMac ही है लैपटॉप। ओके फिर यहाँ से हम थोड़ी आगे चलते हैं, एक चेयर है जिस पर बैठते हैं, और दोस्तों इस चेयर पर भी इतना ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। तो ये वाला पैसा भी दोस्तों बड़ा शानदार है,
ये भी करोड़ों डॉलर तो पड़े ही होंगे यहाँ पर भी सच्ची में दोस्तों, ठीक है ना। और फिर ये किचन में आ जाता है, तो दोस्तों किचन हमारी बिल्कुल बेसिक सी है, हम है ना ये ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं। और यहाँ पर एक वैनिटी टाइप रखी हुई जिसके अंदर हम वहाँ बर्तन वर्तन धोए जाते हैं। यहाँ पर भी अगर बर्तन धोते हुए मतलब यूट्यूब चलाना है कुछ करना, यहाँ पर भी एक अलग से लैपटॉप रखा, मतलब हम यहाँ से एक लैपटॉप दूसरा उधर उठा के भी लेके जाते हैं, जहाँ पड़ा है भैया पड़ा रहने दो, ठीक है ना। ये अरे यार ये भैया किसकी कॉल आई थी मेरे को तो ये देखो ये बहुत बड़ी बड़ी सी ये पेंटिंग्स लगी हुई है, छत देख रहे हो, ओके। और फिर हम यहाँ पर अगर इस डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों देखो पैसा पड़ा हुआ है, हम खाते पीते नहीं है बस पैसा वैसा पड़ा रहता है। यहाँ पर मेरी घड़ी है, इयररिंग्स पड़ी हैं, यहाँ पर भी इयररिंग्स घड़ियाँ पड़ी हैं, मतलब दुनिया में ऐसी कोई घड़ी नहीं होगी जो मेरे पास ना हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों दुनिया की सारी तमाम घड़ी हैं, कोई सी भी कंपनी की कोई सी भी घड़ी हो दुनिया में आपने सोची होगी वो घड़ी यहाँ पर मौजूद है, वो नेकलेस वो हार सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, देख रहो पूरी पेट्टी की पेट्टी भरी पड़ी है भैया, पेट्टी की पेट्टी। और अंदर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर बाथरूम है, ये बाथटब है, यहाँ से नहाते हुए देखो मजे लो, यहाँ से नहाते हुए ये लगी हुई लैंप और ये भी लैंप और ये बाथरूम तो भैया इतना बड़ा बना रखा है भाई का तुम्हारे, ठीक है। और पैसा अरबों खरबों रुपया जिसे कहते हैं दोस्तों, अरबों खरबों रुपया, इतना ज्यादा रुपया, इतना ज्यादा रुपया आप जिंदगी में, मुकेश अंबानी भी कुछ नहीं है कलवे के सामने, मुकेश अंबानी भी भैया कुछ नहीं है कलवे के सामने, देख रहे हो इतना पैसा, इतना पैसा भैया जिंदगी में नहीं। और ये देख रहे हो ये हमारे हैं मतलब नेकलेस वगैरह और ये दवाइयां वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर जो है पड़ी है पहले से ही, देख रहे हो, देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो, देख रहे हो कितना ज्यादा सामान और पैसा, देख रहे हो भाई साहब अरबों खरबों रुपया पड़ा है, यूं ही पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है पैसे को। एक $20 की गड्डी उठा के ले जाओ, आराम से मजे ले लोगे। नताशा जी बाहर क्या कर रही हो, नताशा जी इधर उधर क्यों घूम रही है, अच्छा 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 समझ गया, सैर कर रही है वो, हाँ तो हाँ ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आई जाए बात, ये पता क्या चीज़ है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे से करके दिखाता हूँ, ये दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में से एक घड़ी है, देख रहे हो ये खास मेरे लिए है, दुनिया की सबसे घड़ियों में से एक घड़ी, तभी तो इसको इस इतने नायाब तरीके से यहाँ पर जो है दोस्तों रखा गया है, देख रहे हो कितने अच्छी तरह कांच की उसमें इसको जो बंद करके रखा गया है। और अब हम यहाँ पर बाहर चलते हैं, तो बाहर तो दोस्तों ये घर वर तो ऐसे हो गए, वॉल वॉल ऐसी है, और मैं यहाँ पर आपको चढ़ के दिखाऊँ, तो यहाँ से पीछे वाटरफॉल जो है चल रहा है, तो बहुत सुंदर नज़ारा है, इसीलिए नताशा जी ने यहाँ पर घर लिया, बहुत करोड़ों रुपए तो खर्च करके यहाँ घर बनाया, ठीक है। और फिर करोड़ों रुपए तो खर्च हो ही जाता है भैया हर बार में, पर कोई बात नहीं है दोस्तों। और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद यहाँ है बहुत बड़ा सा LED TV, बारिश आ जाए कुछ नहीं नया आ जाएगा। और ये चरस गांजा मेरे को प्यारा है, किसने रख दिया यहाँ पर, बेवकूफ लोगों ने यहीं पे चरस गांजा रख दिया, करोड़ों डॉलर यहाँ पर भी पड़े हैं, मैं ऐसे ही चल देता हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं, अरे बाबा यहाँ पर क्या रखा हुआ है, इतने एप्पल के लैपटॉप्स, यार क्या है ये यार, नताशा जी इतने क्यों खरीदे यार, पैसा बर्बाद मत करो अगर इतना पैसा है तो। और ये देख रहे हो दोस्तों इतना पैसा, यहाँ पर भी ढेरी लगी हुई, यहाँ पर भी तुम सोचते हो कितना शो ऑफ करता भाई, बिखरा है भाई का पैसा, कलुए भाई का पैसा बिखरा हुआ है, बिखरा, ठीक है, पैसा बहुत है, प्यार चाहिए भैया कलुए को, ठीक है ना, देख रहे हो कैसे कर रहा है गर्दन। हाँ ये बाहर की लॉबी टाइप का हो गया, चलो अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये है यहाँ पर एक एंट्रेंस है, यहाँ पर भी नीचे भी पैसा पड़ा हुआ नहीं, ऊपर भी पैसा, अरे यार कम से कम एक उसमें तो रख दो, तिजोरी फुल पड़ी है, अब क्या करें दोस्तों, ठीक है ना। ये अपन का म्यूजिक सिस्टम वगैरह है, यहाँ पर TV भी देखते हैं, और ये है बहुत मारसा कालीन, और ये है एक बहुत महंगी वाली गड्डी जो कि हम अपने घरों के शोकेस में कारें लगाते हैं, तो लोग लगाते हैं ओरिजिनल आर्टिफिशियल सामान वगैरह, हम अपने घरों में उसमें ऑफिशियल नई नई कार्स लगाते हैं शोकेस के, उसमें समझ रहे होंगे आप सभी लोग मैं क्या कह रहा हूँ। और जिन्ना भैया यहाँ से चढ़ता है, तो चलो जिन्ने पे चलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, आ जाओ नताशा मैं ऊपर जो वाले रूम में जा रहा हूँ, आ जाना ठीक है, ये बहुत बड़ा था वो, यहाँ पर पूरे पे हमने जो है फर्श की जगह वो बिछवा रखा है, यार 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 इतना ज़्यादा यार, नताशा जी पूरा कितना पैसा वो करके लाइए दोस्तों, मुझे बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा, इतना पैसा आ चुका है,
ऑफिस में भी पड़ा है, पता नहीं मेरे घर भी पड़ा है, दूसरे घरों में पड़ा है दोस्तों। ये देख रहे हो कितना ज्यादा पैसा पड़ा है, ये पेटियां भरी हुई है। और ये देख रहे हो दोस्तों, नायाब चीज क्या है देख रहे हो, इसे अंदर पैक करके रखा गया है। ये अंडा दुनिया में सोने का अंडा है, दुनिया में सोने का अंडा है। ये देख रहे हो कैसा है, तुम्हारे भाई ने खास बनवाया है। और कभी कभी हम यूट्यूब पे पबजी वबजी खेलनी होती है, उसके लिए भी मैंने सेटअप तैयार कर लिया है। इसके अंदर बैठ के मैं पबजी वबजी खेलता हूँ मस्त मजे से, मजा आता है। और यहाँ पर भी पैसा पड़ा रहता है, तो ऐसे ही तुम्हारा भाई ऐश करता है, ठीक है ना। बस पबजी खेलता हूँ मैं, लाइव लिव स्ट्रीम नहीं करता। और यहाँ पर सोते हैं हम दोनों बेड बोर्ड खुली वादियों के सामने, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और ये है एक टेबल जहाँ पर बैठ के टीवी भी देखा जाता है। यहाँ पर भी घड़ी है, हाँ वो घड़ी देख रहा था मैं कौन सी पहनूँ, और फिर ये दिख गई थी, ठीक है ना। और फिर ये पीछे आ जाता है, ये ऐसे बैठने वाला रूम है। इसके अंदर भी यार इतना ज़्यादा पैसे दोस्तों, क्या करूँ यार, ठीक है ना। और ये है दोस्तों, मतलब जो हीरे जवाहरात होते हैं ना, हीरे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, जो हीरे होते हैं वो हैं। देखो हीरो के वो लगे हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को एक बार फ़ोन से दिखाऊं, तो कैमरा ओपन करके रुक जाओ, देख रहे हो। जो दोस्तों हीरे जवाहरात होते हैं ना वो हैं, हीरे जवाहरात भी इतने ज़्यादा हैं मेरे पास। ऐसा नहीं चीज़ नहीं है, यहाँ पर पैसा है, ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों जो मेरे पास ना हो। और यहाँ पर बाहर बैठते हैं जब मेरे दोस्त वगैरह आते हैं तो चिल विल करते हैं पूरी। यहाँ पर ये बोतलें वातलें लगी हुई हैं, पूरी की बोतलें की बोतलें लगी हुई हैं दोस्तों। और ये पैसा, और ये पैसा, ओए होए यार, ये वाली पेटी तो अंदर रखनी चाहिए, कुछ ज़्यादा ही पैसा है, बर्बाद हो जाऊँगा मैं अगर ये ख़राब हो गया तो, ठीक है। और ये पूरा लॉस सैंटोस का मैप, मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इतना पैसा आ चुका है यहाँ की सरकार से भी ज़्यादा, पहले पूरी सिटी खरीद डालूँ मैं तो ये सोच रहा हूँ। आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ एक बार, ताकि मेरी आंखें खुल जाएं और मैं यहाँ पर कुछ खरीद लूँ पूरी सिटी में। जो आप रेड रेड मार्क देख रहे हो ना, सब भाई का एरिया है, सब मेरा सामान है वहाँ पर। और ये फेसबुक चल रही थी क्या, एड हवे जो भी चल रहा था, चलो कोई बात नहीं। और ये नताशा ने एक गाड़ी, ये वाली गाड़ी नताशा को उसके डैड ने गिफ्ट की थी, इसलिए नताशा इसको कभी भी कुछ नहीं कहती है, इसको यहीं पर रखती है। मैंने कहा ठीक है भैया बेचना मत, ओके। और ये पैसा वैसा, और दोस्तों सबसे अहम चीज़ सोने की बंदूक है मेरे पास। ये जो नताशा ने है ना, एक मुझे बोला था कि तुम्हें एक चीज़ गिफ्ट करूँगी बहुत अच्छी, और सोने की गन दी उसने मुझे मेरी बचाव के लिए। गन भी कौन सी वाली है जो भैया पूरी की पूरी तोप को उड़ा दे, वो वाली गन दे रखी है मैडम ने मेरे को, सोने की बंदूक, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वाला रिच लाइफ का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो एक बार कमेंट करके बताओ कि इस वाले एपिसोड में आपको क्या क्या जो है मस्त लगा है। नताशा मैडम ने इतना पैसा कमाया है कि अब इस वाले बंगले में हम रहा करेंगे। अगर आपको भी रहना है, मैं माइकल दादा को भी यहाँ पर बुलाऊंगा, तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और चैनल पर नया तो बिना सब्सक्राइब के वगैरह मजाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोजाना गेमिंग एंड गेम प्ले से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।